हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। बिग बॉस 11 साल से चला आ रहा ये रियलिटी शो इंडियन टीवी चैनल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बन चुका है। हालांकि इसके हेटर्स भी काफी हैं। इस रियलिटी शो की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसके होस्ट हैं सलमान खान, तो उनके फैंस तो इस शो को मिस नहीं करते होंगे। हालांकि जो जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है सब कुछ रियलिटी में एकदम वैसा तो नहीं होता है, तो शो को दिखाने से पहले एडिटर्स फुटेज के साथ काफी छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ आप जान जाएंगे तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाए। इसलिए सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है जिससे कि टीआरपी बढ़े। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस के कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। कॉल्ड इट क्विट्स। द ब्रिटिश नेशनल डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद द शो आफ्टर शी रिसीव्ड सम शॉकिंग न्यूज़। बिग बॉस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और उन्हें 2-3 दिन घर में रखा जाता है। इस शो पर जो पहली इंटरनेशनल आर्टिस्ट आई थी उनका नाम था जेड गुडी। जेड गुडी एक रियलिटी टीवी प्रेजेंटर हैं। रियलिटी शो बिग ब्रदर में वो पार्टिसिपेंट थी जिससे कि बिग बॉस भी इंस्पायर्ड है। सबसे पहली बार वो हाईलाइट पे तब आई थी जब बिग ब्रदर में उनकी शिल्पा शेट्टी के साथ झड़प हुई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाई। दूसरे ही दिन उन्हें घर से वापस भेज दिया गया। उन्हें कैंसर था और सन 2009 में उनकी डेथ भी हो गई। सीजन 5 की पार्टिसिपेंट पूजा मिश्रा एक वीडियो जॉकी हैं और एक मॉडल भी हैं। इसके अलावा सन 2006 में रिलीज्ड फिल्म दिल देके देखो में वो एक आइटम नंबर भी कर चुकी हैं। बिग बॉस के घर में पूजा मिश्रा 8 सप्ताह तक रहीं और इस दौरान उन्हें 35 निष्कासित करने वाले वोट भी मिले जो कि साथी पार्टिसिपेंट द्वारा दिए जाते हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री में इतने नेगेटिव वोट्स आज तक किसी पार्टिसिपेंट को नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे पार्टिसिपेंट रहे जिन्होंने बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा वक्त बिताया और कमाल की बात ये रही कि इस पूरे वक्त के दौरान उन्हें एक भी नेगेटिव वोटिंग नहीं मिली। हालांकि वो जीत नहीं पाए क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से उन्हें बिग बॉस का घर छोड़कर जाना पड़ा। लोग थोड़ी देखेंगे अपन बर्तन मांज रहे, ये मांज रहे, वो मांज रहे, नहीं होगा भाई। आपने बिग बॉस के घर में बर्तन को लेके या थोड़ी बहुत साफ सफाई को लेके अक्सर पार्टिसिपेंट को लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े घर में जहां सिर्फ बर्तन को लेके उठापटक होती है, उस चमचमाते हुए घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? जी हां, वहां के साफ सफाई की जिम्मेदारी वहां के कर्मचारियों की होती है जो कि वहां आते हैं और साफ सफाई करके चले जाते हैं, जिसे कि एडिटिंग के दौरान हटा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ जो दिखता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है। बिग बॉस में आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे घर के सफाई की जिम्मेदारी भी अगर पार्टिसिपेंट्स पे डाल दिया जाए तो फिर बिग बॉस के घर में रोज दंगल होगा, दंगल। बिग बॉस के घर में हर तरह के सेलिब्रिटीज आते हैं। कुछ एक के लिए झगड़ा करते हैं तो कुछ प्यार में विलीन हो जाते हैं, कुछ भगवान में विलीन हो जाते हैं, तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो कि शराब में विलीन हो जाते हैं। दैट्स ट्रू। जब कुछ पार्टिसिपेंट अल्कोहल लेते हैं तब आप उन्हें शराब पीता हुआ देख के भी नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है जिन्हें अल्कोहल यानी कि शराब चाहिए, लेकिन नेशनल टीवी पे वो ये दिखा नहीं सकते क्योंकि ये एक फैमिली शो होता है। हालांकि अब तो नाम का ही फैमिली शो रह गया है। तो आपको बता दूं कि इन सेलिब्रिटीज को अक्सर जूस में मिक्स करके अल्कोहल दिया जाता है ताकि देखने में लगे कि वो जूस पी रहे हैं। इस तरह से उन सेलिब्रिटीज की डिमांड भी पूरी हो जाती है और बिग बॉस भी चलता रहता है। सोनिका कालीरमन एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट थी जो कि जब बिग बॉस के घर में आई थी तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन 8वें दिन ही उन्हें घर छोड़ना पड़ा क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को ऐसी आशंका थी कि कहीं मेंटल प्रेशर की वजह से उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हर सीजन से पहले ये अफवाह फैलती है कि इस बार बिग बॉस का सीजन सलमान खान नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से चैनल सलमान खान को मना लेने में कामयाब हो जाता है। सलमान खान पूरे वीक में बिग बॉस के लिए सिर्फ एक दिन शूट करते हैं और उसके लिए वो एक मोटी रकम लेते हैं जो कि करोड़ों में होती है, और ये करोड़ों की रकम 3 से 6 करोड़ के बीच में होती है। सलमान खान के लिए एक स्क्रिप्ट राइटर भी रखा जाता है जो उनके बोलने के लिए लाइंस लिखता है, लेकिन सलमान खान उनकी ज्यादा चलने नहीं देते हैं और ज्यादातर खुद ही बोलते हैं। बिग बॉस के घर में कई बार पार्टिसिपेंट आपस में सलमान खान को लेके बातें करते हैं जो कि एडिटिंग टेबल पे हटा दिया जाता है। हर एपिसोड की एडिटिंग के बाद सबसे पहले सलमान खान को पूरा एपिसोड दिखाया जाता है।
उसमें वो अपने हिसाब से काट छाट करते हैं, उसके बाद उस शो को टीवी पर दिखाया जाता है। बिग बॉस के घर में टोटल 80 कैमरे लगे हुए हैं, जो कि आज तक किसी भी इंडियन रियलिटी शो में यूज नहीं हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए।